तो टूल्स के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं मंदीप और आप देख रहे हैं मंदीप ब्लॉग्स। तो इस चैनल पे आती हैं टूल्स रिलेटेड वीडियो। तो उसी सिलसिले में आज एक वीडियो हम अपने पेंटर भाइयों के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपको जितने भी पेंटिंग में यूज होने वाले टूल्स होते हैं, सेंडर हो गया, पेंट मिक्सर हो गया, या कंप्रेशर से चलने वाले यूनिट हो गए, उनकी डिटेल से जो आपको जानकारी देंगे, प्राइस के साथ बजट वाले भी दिखाएंगे, हायर क्वालिटी वाले भी दिखाएंगे, सारी रेंज दिखाएंगे। जुड़े रहे वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट, भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी लास्ट तक देखना तो लाइक दबा देना। इस वीडियो में हम अपने चैनल पे पहली बार भाई लाइक्स का एम बना रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे आप कम से कम अपना पहली बार है तो 200 लाइक आप इस वीडियो पे जरूर करें। करते हैं वीडियो को शुरू। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, क्या हाल है सर? बढ़िया सर, बढ़िया सर। लास्ट वीडियो में हमने अपने पेंटर भाइयों के लिए एक पेंटिंग मशीन दिखाई थी जिससे उनके काम की एफिशिएंसी बढ़ सके। तो आज के वीडियो में मेरी क्वेरी या भाइयों की क्वेरी है कि अपने पास कौन कौन सी तरह के पावर टूल्स आते हैं जो पेंटर भाइयों का काम और भी आसान और एफिशिएंट कर दें सर। जी बिल्कुल सर, हम आज लेके आए हैं आपके पेंटर भाइयों के लिए बेसिक टूल्स। बेसिक टूल्स जैसे कि अभी हमने पेंट करने के लिए मशीन से दिखा दी जी। अब पेंट को घोलना है, पेंट को करना है, पेंट रगड़ाई करनी है जी। जहां दीवारों पे या कोई भी लकड़ी पे कहीं भी पेंट करना है उसको रगड़ना है, रेगमार लगाना है, उनके टूल्स हो गए। फिर उसके बाद इनके लिए जहां पॉलिशिंग वाले लोग होते हैं जिनके लिए एयरलेस वगैरह नहीं चल पाती है जी, जी, जी। तो वहां पे क्या टूल चल सकते हैं उसके लिए हम आज आपको बताएंगे सर। ठीक है सर, तो फिर शुरुआत किन से करेंगे सर? सर शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारा बेसिक टूल जो पेंटर पेंट लेके आता है जी सर, तो उसको सबसे पहले क्या घोलने के लिए टूल चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, वो बेचारा हाथ से घोल घोल के थक जाता है, तो उसके लिए सर ये हमारे पास ये पेंट मिक्सर आए हैं सर। ठीक है सर, ये सिंपल ड्रिल टाइप मशीन है जी सर। इसके आगे ये अटैचमेंट लगती है, ये मशीन पेंट के बाल्टी के अंदर लगाएं और ये घूमने लग जाएगी सर। स्टैंडिंग पोजीशन में काम करेगी जी। बिल्कुल, ऐसे ही बाल्टी के अंदर लगा के आप इसको घुला सकते हैं। सर तो ये कितने लीटर तक के, मतलब इसकी कोई कैपेसिटी तो होगी ना भी इतने लीटर? सर इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, ये आप 2 लीटर 3 लीटर 10 लीटर की टंकी में घुमा के उसको काम कर सकते हैं। मतलब आपका टैंक जितना बड़ा है। बिल्कुल सर, देखिए ना बहुत लंबी इसकी है। ठीक है जी, तकरीबन 2 फुट की इसकी ये रॉड आएगी, ये रॉड 2 फुट लंबी आएगी आपकी जी सर। और आराम से बंदा 10 लीटर की बाल्टी होती, 1.5 फुट की होती बस जी सर, कुछ ज्यादा होती नहीं है। ठीक है, तो सर कॉस्ट की बात अभी करेंगे, वीडियो में आगे करें जी? सर नहीं, बिल्कुल साथ से मैं बताता जाऊंगा सर, नहीं तो फिर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लोग बोर हो जाएंगे जी। बिल्कुल जी सर, ये वाली कॉस्ट करेगी आपकी सिर्फ 2200 रुपए की। 2200 की एलिफेंट ब्रांड में है सर ये? एलिफेंट ब्रांड में, मैं अपने कुछ भाइयों के लिए इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, 2200 रुपीज। ठीक है, वो स्क्रीन पे भी सर आ जाएगा, मेंशन कर देंगे हम। ठीक है जी, तो भाई एलिफेंट ब्रांड है जी, ऐसा नहीं है कि लोकल आपको चीज दे रहे हैं। लोकल ब्रांड है, कॉपर वाउंडेड आएंगी सारी मशीनें हमारी, जो भी मशीन देंगे आपको अच्छी मशीन देंगे, एलिफेंट ब्रांड की रहेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है सर, तो सर नेक्स्ट मशीन के बारे में बताएं। नेक्स्ट मशीन सर, पेंट शुरू करने से पहले उसको चाहिए होता है ये सेंडर। ये मशीन एक ऐसी है, सेंडर कम पॉलिशर है जी सर। पहले जो पेंटर के लिए काम तो पहले करेगी ये आपका दीवार को सेंडिंग करने के लिए, सेंडिंग के लिए। बिल्कुल जी, मेरे दीवार को सेंडिंग करें जहाँ वो हाथ से रेगमार लगाता है उससे ये जल्दी काम हो जाएगा जी सर जी। ये हम ये टूल इसलिए दिखा रहे हैं कि आपका टाइम बचे। बिल्कुल सर, ये आपके टाइम सेविंग टूल्स हैं सारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। इससे आप इस मशीन, ये मशीन मल्टीपर्पज है, वैसे घर पे रख के आप पॉलिशिंग, कार पॉलिशिंग भी कर सकते हैं, स्कूटर पॉलिश भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो वो काम भी दे सकती है। जी जी जी, वो काम भी दे सकती है। ठीक है सर, तो सर वेरिएबल स्पीड है ये जी, इससे आप स्पीड कम ज्यादा ये देखिए कर सकते हैं जी सर। इसके 6 तक स्पीड है, 6 स्पीड है, 6 अलग अलग RPM पे ये आप काम कर सकते हैं। तो सेंडिंग कम पॉलिशिंग इस मशीन से एक से ही कर सकते हैं जी। बिल्कुल सर। ठीक है, तो कई कारण अपने पेंटर भाई हैं जिनके पास पॉलिशिंग लेवल का काम भी आता है, जिसको बाद में पॉलिश भी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। पहले वो हर बंदे को चाहिए सर ये, तो जहाँ पे कोई पेंटर हो, चाहे दीवार का हो, लकड़ी का हो, लोहे का हो, उसको पहले रगड़ के पहले साफ करके फिर उसके बाद काम शुरू करना है। अब बेस तो बनानी है, बेस बनाना है, बेस बनेगा उतना अच्छा आपका पेंट अच्छा लग जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो सर कॉस्ट क्या करेगी सर ये मशीन जी अपने? ये कॉस्ट करेगा सर मात्र 2500 रुपए का, 2500 रुपए में। ये भी ब्रांड में मिलेगी अपने को जी? ये भी एलिफेंट ब्रांड में है सर हमारे पास। और भी किसी अच्छा ब्रांड और चाहिए, कोई महंगा ब्रांड चाहिए या कोई चाहिए हमारे, वो भी अवेलेबल है। ठीक है, अभी आपके पास और रेंज भी मिल जाएगी, सारी रेंज अवेलेबल है।
हम आपको रीजनेबल रेंज बता रहे हैं, इस छोटे से सेटअप से आप एक काम शुरू कर सकते हैं पेंट का, ठीक है। तो भाइयों इस वीडियो को आप इस तरह से भी ले सकते हो कि अगर आपने पेंटिंग का काम करना है तो आपको कौन से बेसिक टूल्स चाहिए, ठीक है, तो वो आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, ठीक है सर। तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं जी, पेंटिंग कैसे करनी है। अपनी सैंडिंग भी हो गई जी, पेंट मिक्स भी हो गया, तो सर पेंट करने के लिए फिर आ जाते हैं हमारे पास ये गन्स जी, ठीक है। अब इन गन्स को चलाने के लिए भी तो चाहिए कुछ, वो होते हैं ये कंप्रेशर्स। अच्छा, न्यूमेटिक से हाँ, चलेगा जी। पहले सर होते थे बहुत बड़े बड़े कंप्रेसर, बंदे को लेके जाने मुश्किल होते थे। जी सर, जी जी। फिर उसमें प्रॉब्लम आती थी कि भाई ये कंप्रेसर जो आते हैं वो ऑयल वाले आते थे। बिल्कुल सर, ऑयल डालना भूल जाते थे, इंजन सीज हो जाता था या वो लीक कर जाते थे। ठीक है जी। हमारे पास ये आए हैं कॉम्पैक्ट साइज के डबल पिस्टन वाले ऑयल लेस कंप्रेसर। अच्छा, ऑयल लेस है जी, डबल पिस्टन है तो जी, ऑयल लेस है और उठाने में ले जाने में बहुत आसान है सर। बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है और हल्के हैं, जहां मर्जी बंदा ले जाए। तो यहाँ पे सर कैपेसिटी तो मैं देख रहा हूँ कि 30 लीटर की कैपेसिटी लिखी है, थोड़ा सा डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में और बता दे अपने को। जी सर, ये 30 लीटर की टैंक होती है जी सर, स्टोरेज करती है जो, ठीक है जी। इसमें डबल पिस्टन होता है जी सर, इसमें हमारे पास हर तरह का मॉडल आता है। जैसे ये मॉडल है, आप दोनों का टैंक देखेंगे, दोनों का टैंक सेम है लेकिन सिर्फ मोटर का फर्क है। जैसे ये मोटर है आपकी, ये एल्युमिनियम वाउंडेड है जी सर, ये कॉपर वाउंडेड है, ये कॉपर की है जी, और दोस्तों ये वाला एल्युमिनियम का है, और ये मात्र सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपए का कॉस्ट करेगा। और सर कॉपर में अगर जाएं जी, कॉपर में जाएंगे तो सर कॉपर वाला आपको हमारे पास दो तीन मॉडल्स आते हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं 9,500 रुपए से। तो सर अगर मोस्टली पहले जो कंप्रेशर होते थे इनमें थोड़ी दिक्कत आती थी कि मॉइस्चर के कारण टैंक में पानी बन जाता था। सर वो बनेगा ही बनेगा, कारण कि जब ये कोई भी हवा सक करेंगे तो उसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है तो उसके अंदर आ जाते, लेकिन उसमें हमारे यहाँ पे एक ये टैप दिया होता नीचे, ये वॉल्व खोलेंगे, यहाँ से पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा इस मशीन का, जो आपका ऊपर मोटर देख सकते हैं, हेड देख सकते हैं, ठीक है। तो डबल हेड में है ये मोटर, और ये बाकी इसके जो जितने भी फंक्शन के लिए, आउटलेट के लिए नोजल लगी हुई है। तो काफ़ी बिल्ड फिनिश भी आप देखें, बहुत ही सुंदर है इस मशीन की। तो ये भाई अपने को कॉपर में मिलेगी और ये मिलेगी अपने को एल्युमिनियम में। तो सर कॉपर वाली का भी प्राइस हमें बता दें कि क्या रेट पड़ेगा सर इसका। कॉपर वाली में जो मॉडल ये आपके सामने पड़ा है जी, ये है सर 11,500 रुपए का, 11,500 जी। इसमें हमारे कॉपर में 9,500 वाला मॉडल भी है, ठीक है जी, सेम चीज लेकिन 9,500 में, वो भी एलिफेंट ब्रांड में आता है हमारे पास, ठीक है। तो मतलब अपने पास सर मिल जाएगा बजट से लेकर महंगे तक हर तरह की क्वालिटी, जैसा कस्टमर पैसे खर्च करना चाहता है वैसी चीज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। तो पेंट फेंकने का जुगाड़ तो सर अपने पास हो गया जी, तो अब बाहर जो थ्रो होगा, आउट होगा, वो उसका जुगाड़ बताएं सर। इसके बाद सर हमारे पास ये गन्स आ जाती हैं जी, डिफरेंट डिफरेंट गन्स हैं, इसमें हर तरह की गन है। किसी को नीचे कप चाहिए तो हमारे पास नीचे कप वाली भी अवेलेबल है, ठीक है जी। ये टोटल एसएस में है सर, ये सर मेटल में आती सारी, एल्युमिनियम में बनी होती है, ठीक है जी, एसएस नहीं होता है, कॉपर आपकी निकलों की होती है, ठीक है जी, ठीक है। ये आगे आपकी मेटल में नीचे कप वाली, ठीक है जी। किसी को ये चीज चाहिए तो साइड कप चाहिए होता है, ठीक है जी, ठीक है। पर हर की यूजेज है, अलग अलग यूजेज है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लिए एक गन है, ठीक है जी। किसी को साइड कप चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है जी। अब फिर नॉर्मल जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं ये वाली गन्स, ठीक है जी, जिसमें कप ऊपर रहता है, ऊपर रहता है जी। ये इसमें ऊपर है, इसमें भी ऊपर है। अब इसमें भी फर्क आता है, इसमें हम बाकी मशीनों में जिसमें ये टेक्सचर भी चेंज कर सकते हैं इनसे, जैसे जी आप टेक्सचर पैटर्न चेंज कर सकते हैं अपना, ठीक है सर। हर गन के में अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, अपने अपने मॉडल है। तो सर बेसिक स्टार्टिंग जो रेंज है वो कहाँ से शुरू हो जाती है? सर 500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 500 से अपने पास स्टार्ट हो जाएगी, और 500 रुपए से गन स्टार्ट हो जाती है, मैक्सिमम 1000 रुपए 1200 रुपए तक जाती है सर, जाती है 1500 2000 जैसी क्वालिटी आप बंदा लेना चाहे, ठीक है। तो सर अपने व्यूवर्स को एक ये बता दे कि अपने पास जो एयरलेस मशीन्स की थी, लास्ट वीडियो भी हमने की थी, उसका रिस्पांस कैसा आया आपको जी? सर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छी मशीन जा रही है हमारी वो, और अभी भी हमारे पास काफी अच्छे ऑर्डर है, बहुत प्यार मिल रहा है हमें व्यूअर्स का हमारे पास। वो अगर किसी को ये सिस्टम नहीं चाहिए, अकेला वो चाहिए, वो भी अवेलेबल है। आपको अगर वीडियो अगर चाहिए तो ये आई लिंक में बटन सर दे देंगे आपको, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, उसकी सारी डिटेल हमने दे रखी एयरलेस में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आई बटन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं पेंटिंग में, तो हमने वो भी इस उस वीडियो में कवर की हुई है, तो आप उनको भी चेकआउट जरूर करें। तो सर मेन जो सवाल है कि अभी मशीनें तो आपके पास हमने देख ली,
तो आप परचेज कैसे करेंगे जी इनको? सर इसको ऑर्डर करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें हमारे स्टोर विजिट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है महाराजा इंजीनियरिंग टूल्स शॉप नंबर 10 सेंट्रल मार्केट नियर HDFC बैंक गिल रोड लुधियाना। तो सर पेमेंट के मोड्स क्या रहेंगे? सर पेमेंट का मोड्स हमारे अगर ऑनलाइन मंगवाता है तो प्रीपेड है जी, हम प्रीपेड लेते हैं, COD नहीं होती है हमारे पास अभी, COD के चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं कस्टमर के लिए, इसलिए हम उसको प्रीपेड में ही जाते हैं। ठीक है जी, इसलिए आपको हमें कॉल कर ये मत पूछिए COD है कुछ है वो मत पूछिए, हम सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर मतलब पहले से पैसे एडवांस पेमेंट लेके ही भेजते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बाकी आप कोई भी ऑर्डर करते हैं आपको ट्रांसपोर्ट बाय कोरियर इस माध्यम से ये सामान मिल जाएगा। ठीक है जी, बाकी भाई साहब ने आपको बता ही दिया है कि COD इनके पास अवेलेबल नहीं है तो प्रीपेड ऑर्डर्स ही होते हैं। तो भाई साहब का डायलॉग मैं आज मारूंगा, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक भाई ये सामान आपको मिल सकता है, आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर लें और कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए जा भी कोई भी क्वेरी है तो आप इनसे डिटेल में उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था पेंट मशीन के बारे में अपना आज का वीडियो। वीडियो में मैंने आपको मिक्सर भी दिखाए, कंप्रेशर भी दिखाए, हमने कंप्रेशर की सारी रेंज देखी, एल्युमिनियम से लेके कॉपर तक, हैवी ड्यूटी, बजट से लेके सारी रेंज दिखाई। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी किसी भी तरह प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो वीडियो में पहले भी भाई साहब ने बताया स्क्रीन पे नंबर, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनकी शॉप के नंबर और सारा एड्रेस आ रहा है तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फर्दर कोई भी इंक्वायरी है तो मुझे भी इस चैनल पर आप कमेंट कर दें तो आपके उस कमेंट का भी मैं रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और टूल की वीडियो में, टिल देन दोस्तों गुड बाय।